प्रदेश के दो शिक्षकों का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन। झुंझुनू से जयसिंह धनखड़ का हुआ राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन। देवरोड़ के शिक्षक जयसिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। जिस खेल मैदान पर गंदा पानी भरा रहता था, लोग कचरा डालते थे, उसे ऐसा डेवलप किया कि नेशनल प्रतियोगिताएं होने लगी। अब रात को भी होते हैं मैच। जिले के देवरोड़ कस्बे से है। देवरोड़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक जय सिंह धनखड़ को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार खेलों के विकास के लिए असाधारण कार्य करने पर दिया जाएगा। इनका जो व्यक्तित्व है वो असाधारण है, अपने आप में मिसाल है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनका जो कार्यकाल है, 3 साल से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ विद्यालय में, तो सभी का भरपूर सहयोग और अनूठा कार्यकाल रहा है जय सिंह जी का। हमारे को भरपूर लाभ मिल रहा है। हमारे बच्चे स्टेट और नेशनल खेल रहे हैं और इसके साथ साथ डिफेंस की तैयारी भी यहाँ चलती है, जिसका भी हमारे बच्चों को फिजिकल बड़ा फायदा है। हमारे बच्चे फिजिकल में यहाँ बिल्कुल फिट हो जाते हैं, जो कि निःशुल्क यहाँ कोई चार्ज नहीं है। स्कूल के अलावा इन बच्चों की तैयारी भी करवाई जाती है। जयसिंह धनखड़ ने न केवल खेल मैदान का विकास किया, बल्कि वे इस मैदान पर सुबह 5:30 बजे अभ्यास करवाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सवेरे 2 घंटे और शाम को छुट्टी के बाद 2 घंटे बच्चों को देते हैं। खास बात यह है कि वे स्कूल के बच्चों के अलावा गांव के हर बच्चे को सीखने का मौका देते हैं। बीते 23 साल में उनकी देखरेख में खेल पढ़े 200 से अधिक छात्र छात्राएं खेल कोटे से सेना, राजस्थान, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य सरकारी महकमों में सेवाएं दे रहे हैं। 2015 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरोड में मैंने कार्य ग्रहण किया। जब मैंने इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया तो इस विद्यालय में खेल मैदान का अभाव था। मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं यहाँ एक बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार करूँ। इसके लिए मैंने गांव के युवाओं, ग्राम पंचायत और भामाशाहों से संपर्क किया। उनका लगातार मुझे सहयोग मिला। उसके साथ साथ MLA, MP, नरेगा, ग्राम पंचायत, सभी संस्थानों से सहयोग प्राप्त कर बहुत जल्दी राष्ट्रीय लेवल का खेल मैदान हमने तैयार किया। इस मैदान में एक एथलेटिक्स ट्रैक है, 4 फ्लडलाइट के वॉलीबॉल के मैदान है, बास्केटबॉल का मैदान है, इसके साथ साथ हैंडबॉल, नेटबॉल और फुटबॉल के मैदान हैं। वेट ट्रेनिंग के तमाम उपकरण हमारे पास हैं। उसके अलावा एथलेटिक्स के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे हमने भामाशाह से जुटाए और इन सब संसाधनों के साथ लगातार दोनों समय, सुबह और शाम, विद्यालय समय से पहले और पश्चात बच्चों को मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। बहुत अच्छे परिणाम आए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलने लगे, लेकिन अभी भी खेल मैदान से बेटियां नहीं जुड़ी थी। इसके लिए मैंने सबसे पहले मेरी बेटी को खेल मैदान में स्टार्ट किया, उसके बाद गाँव से बहुत सारी बेटियां मैदान से जुड़ी और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमारी